कैसे दोस्तों, आई होप से बढ़िया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 13 का एक फीचर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि MIUI 13 का काफी ज्यादा हाईलाइट फीचर था। एंड सक ऑफ फक ऑफ। सो कैसे दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 13 का एक हाईलाइट वाला फीचर जो कि आप लोगों को पता होगा, जो कि यहाँ पे MIUI ने अनाउंस किया था, वो था साइड बार। एंड काफी सारे डिवाइसों में से वो साइड बार वाला जो फीचर है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है Xiaomi ने। यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास Redmi Note 11 डिवाइस है एंड इसमें से ये वाला फीचर मिसिंग देखने को मिलता है। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे डिवाइस जिनमें कि यहाँ पे 4 GB रैम होती है, उनमें से ये वाला फीचर यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। एंड मेरे डिवाइस में भी देख सकते हो 4 GB रैम है एंड इसमें से वो वाला फीचर यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल जाता है। तो उस वाले फीचर को हम यहाँ पे इनेबल करने वाले हैं एंड उस फीचर का नाम आप लोगों को पता ही है कि MIUI 13 का साइड बार। एंड ये चीज हमें पहले देखने को मिलती थी Redmi Note 11 में, ये चीज जो पहले थी, लेकिन यहाँ पे जो Android 12 का जो अपडेट आया जो कि सबको मिला, उसमें ये वाली चीज यहाँ पे रिमूव कर दी गई। एंड उसकी जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वीडियो टूल बॉक्स, जो कि पहले यहाँ पे MIUI 12 के साथ अनाउंस किया गया था, लेकिन MIUI 13 का अभी तक साइड बार आपको देखने को नहीं मिलता। तो हम साइड बार को इनेबल करने वाले हैं बिना किसी रूट के, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अगर आप लोगों के पास ये वाला डिवाइस है या 4 GB वाला डिवाइस है तो जैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड MIUI 13 का साइड बार आप लोगों के डिवाइस में 100% यहाँ पे वर्किंग करेगा। तो फटाफट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। MIUI 13 का साइड बार इनेबल करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज अपने डिवाइस में यहाँ पे सेट करनी होगी। देखो तो सेटिंग ओपन करना, यहाँ पे आना एप्स में, एप्स में जाने के बाद मैनेज ऐप में, मैनेज ऐप में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, सो ऑल एप्स पे टैप करना। यहाँ पे करना आप लोगों को सेटिंग सर्च कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेटिंग यहाँ पे सर्च किया एंड आपको सेटिंग के आइकन देखने को मिलेंगे ये वाले, इन पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे देखना कोई अनस्टॉल अपडेट वाला फीचर तो नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के लिए अनस्टॉल अपडेट आ रहा है तो जरूर से उसको अनस्टॉल अपडेट कर दो, क्योंकि जो मैं चीज यहाँ पे करने वाला हूँ तो वो चीज आपके में इंस्टॉल नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे में कोई भी नहीं आ रहा है, एक बार करके देख लेना। अगर अनस्टॉल का अपडेट आता है, यानी कि जो अनस्टॉल अपडेट वाला जो फीचर यहाँ पे ऑप्शन दिखाने लगे, उसको करके बाहर आ जाना। बाहर आ जाने के बाद कुछ भी नहीं करना, क्लियर करना। एंड आप लोगों को करना होगा डिस्क्रिप्शन चेकआउट, वहां पे एक होगी भाई फाइल की लिंक जो कि होगा भाई APK, वो भी हमारी सिक्योरिटी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखना ये वाला आपको APK देखने को मिलेगा, जो कि इसका वर्जन आपको देखने को मिलता है V7.2.0.2 और लास्ट में 1.1.2, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। एंड ग्लोबल इंडिया दोनों के लिए सपोर्टेड है, ऑफिशियल है। अगर आप लोगों को सेफ लगता है तो यूज कर सकते हो, वैसे 100% आपको सेफ देखने को मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको उसको ऐसे टैप करना है एंड आपको अगर इंस्टॉल दिखाता है इंस्टॉल कर लेना, अपडेट दिखाता है तो अपडेट कर देना। कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो जाने देना एंड डन कर देना। डन करने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे एक बार इसको बैकग्राउंड से क्लीन करना है, सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे जाना है, स्क्रॉल जाना है, यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल फीचर में ही आपको MIUI 13 का साइड बार देखने को मिलता था, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल फीचर पे क्लिक करना, और अब यहाँ पे देखोगे आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो एंड लाइट मोड। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि साइड बार तो अब भी नहीं आया, तो साइड बार जो मैंने, अगर आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते हो तो मैंने पहले ही भी बताया है कि साइड बार को भाई फ्लोटिंग विंडो के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। फ्लोटिंग विंडो पर टैप करोगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा साइड बार एंड ये 100% आपको वर्किंग भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो साइड बार ऑन हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से हम आएंगे अपनी होम स्क्रीन पे एंड इसको करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन। एंड यहाँ पे मैं यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे नेट कनेक्शन है नहीं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एंड इसको यहाँ पे साइड बार में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी चाहो आप ओपन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड बार आपको 100% वर्किंग करता देखने को मिल जाएगा एंड टैप एंड होल्ड करके आप इसके यहाँ पे पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, बस वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इसकी पोजीशन से भी चेंज कर सकते हो एंड ये चीज आपके में 100% यहाँ पे वर्किंग रहेगी, जबकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि गेम टर्बो यहाँ पे देखने को मिलता था, वो गेम टर्बो कहाँ गया? तो गेम टर्बो के लिए आपको जाना होगा भाई सेटिंग में। यहाँ पे देख सकते हो गेम टर्बो का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि देख सकते हो ये गेम टर्बो के लिए एंड ये वीडियो एप्स के लिए। तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब या जो भी आपके यहाँ पे वीडियो प्लेयर ऐप है उनको सिलेक्ट लेना एंड यहाँ पे गेम सिलेक्ट कर लेना, ये गेम टर्बो के लिए दिया गया है। अगर आप लोग चाहो तो अपना गेम टर्बो यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं किसमें लगा हूं, तो यहाँ पे एंटीरियर टेस्टर में मैंने लगा दिया है एंड बाहर चल के एंटीरियर टेस्टर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा, लेकिन अभी क्यों नहीं दिखा रहा मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को एक बार सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे स्क्रॉल आना है, यहाँ पे देख सकते हो गेम टर्बो का आइकन भी देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना एंड कहीं भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसका एनिमेशन यहाँ पर अटकता है Redmi Note 11 डिवाइस में, सेटिंग पे क्लिक करना एंड यहाँ पे देख सकते हो ये गेम टर्बो का जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे इसको बस ऑन कर देना। ऑन करने के बाद जैसे ही बाहर आओगे या यहाँ पे एंटीरियर टेस्टर को दोबारा ओपन करोगे या कोई से भी ऐप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड
नहीं है देख सकते, तो भाई गेम टर्बो ही पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप अपने 4 GB वाले डिवाइस में 4 GB रैम जो है उसमें आप लोग साइड बार को यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड रेडमी नोट 11 में भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों को रैम दिखा देता हूँ जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस फीचर को यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे, एंड आप लोगों के फोन में ये वाला फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जितने के लिए जय हिंद जय भारत।